सन 1889 में मशहूर हिंदी कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। सन 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। कृष्णार्जुन युद्ध, हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण, वेनुलु गूंजे धरा और गरीब इरादे चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। आज ही के दिन सन 1914 में फील्ड मार्शल और देश के सबसे बहादुर फौजी सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ था। भारतीय सेना के पहले 5 सितारा अधिकारी जिन्हें प्रमोशन कर फील्ड मार्शल बनाया गया था। अपने 40 वर्ष के करियर में सैम ने 5 बड़े युद्ध लड़े। सन 1949 में आज ही के दिन मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी का जन्म हुआ था। वर्ष 1972 में परवीन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और सन 1973 में आई फिल्म चरित्र में पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आईं। सन 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर बॉबी की पहली हिट फिल्म थी। आज ही के दिन सन 1968 में अमेरिका के जाने माने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी। अमेरिका के मेम्फिस शहर में मार्टिन लूथर किंग पर उस समय गोली चलाई गई जब वो सफाई कर्मचारियों के साथ कम वेतन और खराब कार्य परिस्थितियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। और आज ही के दिन सन 1979 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। भुट्टो पर अपने ही एक विरोधी राजनेता की हत्या करने का आरोप लगाकर मामला चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। जुल्फकार की मौत का दुनिया भर में विरोध किया गया, लेकिन जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में किसी विरोध को सुना नहीं गया।